चिराग पासवान, चिराग पासवान। पूरे दलित महादलित का नेता जब भी बनेंगे तो चिराग पासवान ही बनेंगे। हाजीपुर से कह रहे हैं कि पशुपति पारस भी चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान भी लड़ेंगे, किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान को देंगे, हम लोग बूढ़ा बैल को क्या वोट देंगे? प्रिंस पासवान, प्रिंस पासवान, पशुपति पारस। चिराग जी जो है देश का भविष्य है। अच्छा, देश के भविष्य है, देश का भविष्य है वो। हाजीपुर लोकसभा सीट में हैं और हम लोग यहाँ आए हैं लोगों से राय जानने कि लोगों का क्या कहना है 24 के चुनाव को लेकर के। क्या नाम है चाचा? पन्नालाल पासवान। पन्नालाल पासवान जी, ये हाजीपुर है जी। कौन गांव? हिमातपुर सुल्तान। अच्छा, हमको बताइए कि चुनाव होने वाला है, किसको यहाँ पे वोट मिलेगा? चिराग पासवान जी देश का भविष्य है। बूढ़ा बैल किसको कह रहे हैं? पारा जी को। कैसे? वो कोई काम का नहीं है। काम का नहीं है? कोई काम का नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बूढ़ा बैल हैं, चिराग जी हैं देश का भविष्य हैं। देश के भविष्य को कहते हैं कि तो खून ना है रामविलास पासवान का, बोले तो थे। बोले थे लेकिन ऐसे भी कितनों को बलगलाएंगे। हाँ। पूरे वैशाली जिला की पासवान जाति में से एक भी नहीं बगदेगा उनकी बात में, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। आप लोग पूरा हम लोग पूरे जिले में हम लोग का लगभग आँखों बतियाए हुए हैं। आँखों मतलब इशारों में सारा बात हो। पूरे पासवान एकत्रित होकर वोट डालेंगे, चिराग पासवान के ही डालेंगे। मतलब ऐसा का है चिराग पासवान को रामविलास के नाम पर मिल रहा है या अपने काम के बदौलत मिल रहा है? हाँ, उनका पिता कुछ कर्तव्य किए हुए थे आ ये जो है पारस जी धोखा दिए थे। मतलब उनको भाई है ना जी, भाई है, उसने भाई ज्यादा उम्र है ना, धोखा दिए, धोखा किए, सुतली रात में छुरा मार दिए भतीजे को। क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़े करेगा कोई, ऐसा ही ना हुआ। पार्टी तोड़ रहे थे वो अलग बात है, तब वो अपने लालच में पड़ के अपना सुख सुविधा के चलते भतीजे के लथार मार के चले गए। कोई जनता बख्शेगा पासवान जाति का? उनको कोई वोट डालेगा? सुने कि यहाँ आए थे तो काला झंडा भी दिखाया था लोग। वो किन का? पशुपति पारस। वो कभी भी दिखा सकते हैं, अभी भी कभी भी। एक गाँव में कानू आते हैं तो वो डर से भागले चले जाते। एकदम उनको क्या से स्वागत किया जाएगा तो आने पर पता लगेगा। क्या से मतलब क्या कहना चाहते हैं? वो देखिए, अब क्या हम कहना नहीं है बात नहीं, सही नहीं। है लेकिन हमको जरा बात, इतना गुस्सा का है? कौन चीज का गुस्सा? आपका तो ना खेत जोते हैं ना कुछ किए हैं। कुछ नहीं किए हैं तो फिर वो जनता पूरे, वो चिराग जी जो है देश का भविष्य है। अच्छा, देश के भविष्य है, देश का भविष्य है वो। एक रोशन करेंगे, आई क्या करेंगे, यो रोशन करेंगे? नहीं, ज्यादा ये तजुर्बा है इनको? नहीं, कोई तजुर्बा इनके पास नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है इनके पास। अरे सांसद रहे हैं ना, वो सांसद रहे हैं, अभी तत्काल मंत्री बन गए हैं। हाँ। लेकिन ये सबसे लोग, जनता खुश नहीं है उनकी जाति में से, उनका जाति का लेकर लोग खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, सारे आदमी ना खुश है। कहते हैं पासवानों का नेता अब हम ही बनेंगे। नहीं बनेंगे, प्रिंस पासवान नहीं, दलित का पासवान जाति के नहीं, पूरे दलित महादलित का नेता जब भी बनेंगे तो चिराग पासवान ही बनेंगे, चिराग पासवान ही बनेंगे बनेंगे। अच्छा, ये बच्चा है, क्या खा रहे हो बाबू? बोलो बोलो शर्मा नहीं, अरे शर्मा नहीं, क्या खा रहे हो? कहीं ना कुरकुरी खा रहा, बताओ। अच्छा, चिराग पासवान को जानते हो? कौन है? हुँ? कौन है चिराग पासवान? हाँ। नेता है। आप पशुपति पारस को जानते हो? नहीं जानते हो तो ये देखिए, ये हाजीपुर में ये डिफरेंस देखिए। क्या नाम है आपका भैया? सिरजी पासवान। सिरजी पासवान। हाँ। अच्छा, हमको बताइए इधर माहौल क्या है, किसको वोट मिलेगा? माहौल तो है कि रामविलास से शुरू से आया है तो उसका लड़का है तो उसी को साथ है हम लोग। रामविलास के लड़का, चिराग के लड़का को ही वोट मिलेगा? हाँ, इधर मिलेगा, साथ पासवान के मिलेगा वोट। हाँ, चिराग पासवान के मिलेगा, रायले के सौ दिन रामविलास आया। हाँ। उनका बेटा है, उनका बेटा को ही मिलेगा? हाँ, उसको मिलेगा दम हैंड यहाँ सब। हाँ, उसके काम के बदौलत कि पिता के काम के बदौलत? पिता के है। अब मान लीजिए कि केहू के बेटा अच्छा ना निकला तो क्या कीजिएगा, उसको वोट दीजिएगा फिर? हाँ, चिराग के पास मान के हम सब देंगे वोट। काम करे चाहे ना करे? हाँ, काम काहे ना करेगा, वो सब चीज। अच्छा, पटना उठना जाते हैं तो इज्जत सत्कार मिलता है घर पे? हाँ जी, हाँ मिलता है, सब मिलता है। क्या बात करे, खाली झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने की क्या बात है, वहाँ जाएंगे तो इज्जत नहीं मिलेगा? हम लोग जाते हैं तो ऐसी रात घूमते, पास में पटना 20 किलोमीटर पास पटना जाते हैं तो इज्जत सत्कार।
चाचा की यहाँ? चाचा के हम लोग देखे नहीं यार, एक तो आता है भी नहीं है, तो क्या करें? नहीं आते हैं? नहीं। प्रिंस पासवान? प्रिंस पासवान उतना हम समस्तीपुर से है। तो समस्तीपुर से जीतेंगे खेलेंगे, यहाँ आएंगे तब ना हम लोग पहचानेंगे। अच्छा, नहीं जानते। चलिए तो ये देखिए, ये दीवान गया। रुक जाओ हीरो, भागना नहीं है, तोरा से पूछना है, तोरा से पूछना है। ओ सुनो सुनो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चिराग पासवान को जानते हो? केवल हाँ या ना? हम चिराग पासवान के जानते हैं, बड़का फैन। चलो ठीक है, तो ये हाजीपुर में थे और चिराग पासवान की दीवानगी को लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे कि लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, लोग चिराग पासवान को वोट देंगे या पशुपति पारस को देंगे। तो ये सभी कोई साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम लोग जो दीवाने हैं वो चिराग पासवान के दीवाने हैं और हम लोग चिराग पासवान को ही वोट देंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।